मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो दे दोस्तों, मेरा नाम केविन है। पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से आपको रेगुलर अपडेट्स देते आया हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी सजेशंस भी आ रहे हैं हमको। तो इसी सीरीज़ में आज मैं CBSE के 11th स्टैंडर्ड की हॉर्नबिल बुक का एक चैप्टर है, सिल्क रोड, जो कि निक मिडिल्टन, एक फेमस माउंटेनियर हैं जिन्होंने हिमालयन पीक्स को काफ़ी गहराई से अचीव करा है, अपने डिस्क्रिप्शंस, व्याख्यान दिए हैं काफ़ी सारे, और उन एक्सपेडिशंस को उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वे में, नेचर की ब्यूटी, साथ में वहाँ पे क्या क्या एक्चुअल सिचुएशंस हैं, उन चीज़ों को बताते हुए क्लियर करा है। ये चैप्टर बेसिकली उनकी जर्नी टूवर्ड्स कैलाश पर्वत, तो जो कैलाश पर्वत है, फेमस है माउंट, उस पे एक्सपेडिशन करते हैं। यूजुअली पिलग्रिमेज के हिसाब से अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट कल्चर और हिंदू कल्चर में कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर जो लेक है वहाँ पे, उनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कहते हैं दैट इज़ एन अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। सो उस जगह पे माउंटेनियरिंग करना इज नॉट जस्ट एन एक्सपेडिशन, बट यस इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पिलग्रिमेज एक तरीके से। तो यहाँ पे निक मिडिल्टन, रावू एक तिब्बतन टाउन है, वहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। रावू में लामो एक एक्वेंटेंस होती है उनकी, वो उनको उस जर्नी पे जाने के लिए प्रेरित करते हुए उनको कुछ वर्म, शीप, फ्लीस वगैरह देती है जिसके वो वेयर करें और उनको उस ठंड के एक्सपेडिशन में कोई तकलीफ नहीं हो। वहाँ से इनकी जर्नी साथ होती है दो साथियों के साथ, एक सितान एंड डैनियल। डैनियल अगेन इज़ अ माउंटेनियर, सितान इज़ अ लोकलाइट, जो कि यूजुअली उनकी जो 4x4 जो व्हील ड्राइव थी, जो उनकी जीप या कह सकते हैं उनका व्हीकल था, उसको ड्राइव कर रहा था। वहाँ से वो निकलते हैं तो देयर वाज अ वर्ड सेज द्रोगबा, द्रोगबा मीन्स ख्याल रखना, टेक केयर, गुड बाय सॉर्ट ऑफ, दैट लामो सेज, एंड दे सेट ऑफ फॉर द जर्नी। जर्नी काफ़ी स्मूथ तो नहीं थी, यस, लेकिन सितान के एक्सपीरियंस के कारण काफ़ी जगहों पे उनको काफ़ी हेल्प भी मिलती है उस पर्सन के कारण। रास्ते में वो लोग थोड़ा पास करते हैं, फिर आगे चल के थोड़ा माउंटेनियस रीजन्स आ जाता है। हाइट की अगर हम बात करें तो 5,515 मीटर तक की ऊंचाई पे ये पहुंच गए हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन भी कम रहता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, That will come later। वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वाइल्ड एस दिखते हैं जिसको क्यांग कहते हैं। लोकल लोग वहाँ पे ट्राइब्स में छोटे छोटे झुंड में ग्रुप्स बना के रहते हैं दोस्तों, तो ये हमको वहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। उन लोगों के पास में जो डॉग्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बड़े से थे, देवर तिब्बतन मैस्टिफ। अगर आप सर्च करेंगे तो तिब्बतन मैस्टिफ बेसिकली डॉग्स की एक ब्रीड होती है जो कि हिमालयन रीजन्स में रहने के लिए बहुत वेल अडेप्टेड होती है दोस्तों, एंड देयर हाउ देयर हाउंड एंड देयर फेसेस आर एज बिग एज अ बुल, तो तिब्बतन मैस्टिफ उनकी जर्नी में उनके पीछे ऐसे डार्ट के समान हिट करते हैं और लगभग 10 मीटर्स तक दौड़ते जाते हैं, अंटिल एंड अनलेस उनके ऑनर्स उनको वापस नहीं बुला लेते हैं। काफ़ी ग्रुप नोमैड्स के वहाँ दिखते हैं जो कि शीप्स को, भेड़ चरवाहे जिनको कहते हैं, शीप्स को, कैटल्स को वहाँ चराते रहते हैं। लोकल लोग हैं वहाँ के, काफ़ी ब्राइट कलर की ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, काफ़ी अच्छे से वो लोग ड्रेसअप होके अपने आप को वार्म रखते हैं, एंड सो ऑन द एक्सक्रिप्शन इज गिवन ओवर। टर्न्स शार्प होते चले गए थे, टर्न्स बिकेम शार्पर, उनके जो रोड थी इट वॉज नॉट अ स्मूथ स्ट्रेट रोड माई फ्रेंड्स, बिकॉज दे वर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, वो एक माउंटेन पे चढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उनकी जो जर्नी थी वो कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ट्रेचरस और डेंजरस जरूर थी। एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ रोड पे स्नो 15 मीटर लगभग डिस्टेंस तक स्नो ही स्नो है, और वो इतनी स्मूथ है कि हो सकता है उसके ऊपर अगर गाड़ी चलाएंगे तो वो फिसल जाएगी और टर्न ओवर कर लेगी, पलट जाएगी। तो ये लोग वहाँ पे मिट्टी उठा के स्नो के ऊपर फेंकते हैं, फिर उस मिट्टी के ऊपर
अकेले सितान उस ड्राइव उस व्हीकल को ड्राइव करके आगे ले जाता है. फाइनली आगे जाते हैं, हेयर पिन बेंड्स मिलते हैं. हेयर पिन बेंड्स बेसिकली फ्रेंड्स उन बेंड्स को कहते हैं, उन कर्व्स को कहते हैं रोड पे जो आपको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता है. जैसे कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन सडनली यू विल टर्न टुवर्ड्स द साउथ. बट यस, यू विल टर्न टुवर्ड्स द साउथ बट आप ऊपर जाते रहेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एन हेयर पिन बेंड. एक तरफ आपको ऊंचे पथरीले पहाड़ दिखेंगे, जैगेड रॉक्स, और वहीं पे दूसरी तरफ आपको गहरी खाइयां दिखेगी. रोड्स इतने नॉर्मल से हैं कि एक टाइम पे एक व्हीकल उसमें बमुश्किल निकल सकता है, ये जर्नी बता रहे हैं वो. नाउ ये रूट उनको चांगतान की तरफ लेके जा रहे हैं. चांगतान इज अगेन अ टाउन. नाउ दे आर गोइंग ऑफ इट एंड फाइनली वो पहुंचते हैं एक टाउन होर. उस टाउन में पहुंचने से पहले काफी चीजें यहां पे एक्सपीरियंस करते हैं निक मिडिलटन, जैसे रबिश, ट्रेचरस, यू नो लाइक रॉक्स, जर्नीज, वो सब वहां दिखता है. तो ये बताता है कि हाँ, वो रीजन इतना अनइनहैबिटेड है कि वहां पे रबिश के डंप इकट्ठे हो गए हैं जो कि वहां से हटाए नहीं गए हैं. बिकॉज वो इतना ट्रेचरस एरिया है कि वहां पे कुछ भी सेटअप करना, कुछ भी ले जाना बहुत ही मुश्किल है. यहाँ एक और उल्लेख देते हैं वो, जहाँ कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा यू नो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, क्योंकि ऊंचाई पे जाते हैं तो जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाता है दोस्तों. तो हमने देखा ही है, दूसरे माउंटेनियर्स जो होते हैं वो यूजली ऑक्सीजन टैंक्स वगैरह लेके जाते हैं, बट वो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स को कैरी करके कैलाश पर्वत पे जाना और उसके चारों तरफ यू नो रिवॉल्व करना, वो परिक्रमा करना, दैट इज अ टीडियस टास्क. सो यहाँ पे वो आके एक टाउन में रुकते हैं चाय पीने के लिए थोड़ा सा. वहाँ पे उनको कौन किस तरीके से ग्रीट करते हैं, किस टाइप के लोग मिलते हैं, क्योंकि अब फ्रेंड्स ये लोग चाइनीज टेरिटरी में चले गए. यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, तिब्बतन मैस्टिफ की जो ग्रैंडनेस बताई गई है इसमें, उसमें ये भी कहा गया है कि चाइनीज पैलेसेस में तिब्बतन मैस्टिफ को एज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत इसलिए दिया गया था क्योंकि उनका ग्रैंड्योर, उनकी जो काया होती है, उनकी बॉडी बिल्ट वगैरह होती है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ वाइल्ड बोर, एक बड़े से भालू के समान यू नो तिब्बतन मैस्टिफ की ब्रीड दिखती है. तो इसलिए इनका सिग्निफिकेंस काफी हद तक बताया गया है कि चाइनीज रॉयल्टीज, रॉयल पैलेसेस में भी इनको देखा गया है. दोस्तों वहां के घर और वहां की बिल्डिंग्स ब्राइटली कलर्ड होती है, मोनास्ट्रीज टाइप ज्यादा है, वहां पे मंक्स सॉर्ट ऑफ लोग ज्यादा मिलेंगे. इनफैक्ट लोग वहां पे बिल्कुल साधारण से हैं, जैसे चरवाहों की बात की गई थी तो वो लोग जैसे इनको देख रहे थे, और जब इनका व्हीकल उनको क्रॉस करता है तो वो उनको वेव बैक भी करते हैं. सो दिस इज व्हाट वाज द माउंटेनियर निक मिडिलटन वाज एक्सपीरियंसिंग. ये एक्सपीरियंस ये कर रहे थे यहाँ पे कि उस जर्नी में किस टाइप के लोग मिल रहे हैं, किस टाइप का पथरीला पठार पार कर रहे हैं, कितनी ट्रेचरस जर्नी है, क्या क्या डर है वहाँ पे. बहुत सारे यू नो ऐसे हालात भी हैं कि इन अ विंक ऑफ अ टाइम यू मे लूज योर लाइफ. अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हो वहाँ पे तो शायद ये जर्नी करना बहुत मुश्किल होगा. एक पॉइंट पे वो पहुँचते हैं जहाँ पे उनका साथी डैनियल लहासा से कश्मीर, जो पुराना सिल्क रूट जो बना गया था, तो लहासा से कश्मीर जो रोड जाता था, हम जान सकते हैं यहाँ पे लहासा इज एन इम्पॉर्टेंट टाउन इन द टेरिटरी ऑफ तिब्बत. तिब्बत को हम अभी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो चाइनीज सक्सेशन के अंडर आ गया है. चाइनीज लोगों ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया है और तिब्बत नाउ इज अ पार्ट ऑफ द मेनलैंड चाइना. दे यूजली कॉल इट देयर पाथ. हालांकि वहां के लोग एक्साइल्ड हैं, तिब्बतन्स आर नो मोर प्रॉपरली नाउ लिविंग इन तिब्बत बिकॉज सिंस दे वॉन्टेड अ फ्री लैंड सो दे वर ऑल एक्साइल्ड. वो वहां से यू नो अपनी लैंड को छोड़ के दूसरे देशों में जाके रह रहे हैं. इंडिया इज वन ऑफ अ क्लोज एक्वेंटेंस ऑफ तिब्बतन्स. वी हैव गॉट पीपल लिविंग हियर विद अस. द दलाई लामा स्टेज हियर. सो वहां पे चाइनीज एनकाउंटर कैसे होते हैं, किस तरीके के वाक्य होते हैं, ये हम पार्ट टू में देखेंगे. पार्ट वन यहाँ खत्म होता है. फाइनली उनकी जर्नी पहुंचती है होर टाउन पे. होर टाउन में क्या क्या होगा, दिस वी कैन सी इन द पार्ट टू. सो थैंक यू वेरी मच.
अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, वेरी सून वी विल बी कवरिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। बाकी अगर आपको जो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, तो सर्च बॉक्स में आप केविन लोपेस पर्सनल ट्यूटर और टॉपिक का नेम सर्च कर सकते हैं एंड यू विल बी लिंक्ड टू द वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर।